ध्यान दिया जाए, 11th क्लास का ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स दो शब्द से मिलकर बना है, एक थर्मोज और दूसरा डायनेमिक्स। थर्मोज का मतलब होता है हीट, ऊष्मा, और डायनेमिक्स का मतलब परिवर्तन, मतलब ऊष्मा परिवर्तन। जैसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं वो ऊष्मा गतिकी कहलाता है। आप लोग को हम आपके डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मन लगने लगे और आप फिर से केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट जग जाए। और इसके लिए दो एग्जाम्पल ऊष्मा गतिकी संबंधित जो आप अपने डेली लाइफ में देख चुके हैं, वो है पहला एग्जाम्पल कि जब दीपावली के दिनों में किसी घर चूना का पोचारा होता है तो चूना को पहले फुलाया जाता है, यानी पानी डाला जाता है उसमें, तो आप देखते हैं खोलने लगता है, तो वहां पर एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है। या फिर आप आम जो पकता है, आम किस चीज से पकता है, कार्बाइड से, तो कार्बाइड लेकर कभी आप, उसका पूरा नाम कैल्शियम कार्बाइड होता है, CaC2, उसमें पानी डालिए, वहां भी तेजी से एसिटिलीन गैस बाहर निकलता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में आप अध्ययन करते हैं वो ऊष्मा गतिकी कहलाता है, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हीट चेंज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। और इसी का एक और परिभाषा रसायन विज्ञान की भाषा का, जिसके अंदर ऊष्मा के विभिन्न रूपों का तथा उनके एक दूसरे के साथ परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन करते हैं, ऊष्मा गतिकी कहलाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन, परिचय कि ऊष्मा गतिकी क्या है और क्या ये समझाने जा रहा है आपको ये चैप्टर इसके बारे में। अब यहां से आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो आपको बता दें कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ कर आए हैं उसमें जो शब्द इस्तेमाल होता था वो शब्द आम बोलचाल के भाषा में, फैमिलियर लाइफ में, दैनिक जीवन में यूज थोड़ा थोड़ा होता था। आप एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने बैठे हैं आज जिसमें अलग हटकर शब्द इस्तेमाल होता है आपके डेली लाइफ से, आप कभी दोस्त या अपने फैमिली के बीच इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब सही पूछिए तो आप इस चैप्टर को अभी पढ़ने के लायक नहीं है जब तक से इस शब्द से परिचय नहीं लेंगे। और इसको थर्मोनोलॉजी कहा जाता है, थर्मोनोलॉजी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स के टर्म शब्द को समझाया जाता है, जिसको समझते ही आपका मन लगने लगता है इस चैप्टर में। सबसे पहला शब्द है जो बार बार आप अपने फिजिक्स के टीचर से पढ़े होंगे और सुने होंगे बार बार, लेकिन कभी सोचे नहीं कि उसका मतलब क्या होता है, और वो शब्द है निकाय या तंत्र। जो बार बार आपके फिजिक्स के टीचर बोलते होंगे बीच बीच में, किसी निकाय, किसी पिंड, किसी तंत्र, व्हाट इज निकाय, व्हाट इज तंत्र, व्हाट इज सिस्टम, कभी सोचे आपने कि सिस्टम क्या है, निकाय क्या है? तो आप जानिए आज से, जिस चीज पर भी आप अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिस चीज पर भी अन्वेषण प्रारंभ करते हैं, ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चयन किया जाता है वो आपका सिस्टम है, तंत्र है। सिस्टम एक जमीन पर बिखरा हुआ रेत का एक छोटा सा कण भी हो सकता है जिसके आप घनत्व का, हार्डनेस का अध्ययन कर रहे हैं। सिस्टम आपका ये स्केच भी हो सकता है जो इस प्लास्टिक से बना है, इसमें कितना हार्डनेस है, कितना लचीलापन है, ये इसकी बनावट कैसी है, इसका आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आपका सिस्टम है। सिस्टम आपका आग उगलता हुआ आसमान की ओर जाता हुआ एक रॉकेट भी हो सकता है जिसके आप पलायन वेग का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम ये रॉकेट भी हो सकता है। कुछ नहीं, निकाय या तंत्र क्या है, ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चयन किया जाता है, जिस पर आप स्टडी करना प्रारंभ करते हैं, जिस पर आप अन्वेषण करना स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, बस वही तंत्र है। सिस्टम आपका ये केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, H2 plus I2 equilibrium sin 2 HI, कुछ भी, जिस पर भी आप अध्ययन करते हैं
वो आपका सिस्टम है, निकाय है। और निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग, अगर हम अध्ययन स्केच पकड़ रहे तो इसको छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है? परिवेश। इसके चारों तरफ जो भी चीज है, हम आप बेंच कुर्सी जो भी दुनिया का सारा चीज परिवेश में आएगा, और ये खुद निकाय है। और वह परिसीमा जो निकाय और परिवेश को एक दूसरे से अलग करती है उसको कहते हैं परिसीमा। वह दीवार जो निकाय और परिवेश को एक दूसरे से अलग करती है उसको हम कहते हैं क्या? परिसीमा। स्टार्ट है, चल रहा है, तो यहां ध्यान दिया जाए। अगर हम एक ग्लास पानी लिए, जरा ध्यान दिया जाए, तो ये एक ग्लास पानी जो हम लिए, जिस पर हम अध्ययन स्टार्ट किए, ये हमारा निकाय है, और इसके चारों ओर जो भी चीज है वो परिवेश है। और ये ग्लास का जो ये बाउंड्री देख रहा है, जो शेप, यही तो है परिसीमा। और एक लाइन में अगर कहे तो सिस्टम मतलब निकाय प्लस परिवेश यानी सराउंडिंग, दोनों को जोड़कर होता है यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो यहां पर जो भी चीज लिखा हुआ है सारे टर्म आप समझ गए। क्या है निकाय? ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चयन किया जाता है निकाय। ब्रह्मांड निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है? परिवेश। निकाय प्लस परिवेश बराबर परिसीमा, वह दीवार जो निकाय और परिवेश को एक दूसरे से अलग करती है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की ओर, जो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट को एकदम अच्छे से एकदम याद रहेगा, क्योंकि हर चीज दिखा दिखा कर समझा रहे हैं, और दिखाकर समझाने में बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट के लिए कि आप अच्छे से एकदम माइंड में हमेशा बात याद रखते हैं बिना मेहनत के। खुला निकाय, एक कप हमने चाय लिया, ठीक है, ये चाय जो हमने एक कप लिया है ये 300 ml का है। 300 ml हमने चाय लिया, ये काफी गर्म है, 3 घंटे बाद ये चाय एकदम ठंडा हो गया, और था 300 ml और अब है 295 ml, 5 ml वाष्प बनकर उड़ गया। तो वह निकाय जो परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊर्जा, दोनों का आदान प्रदान करता है परिवेश के साथ, वो कहलाता है खुला निकाय। आप सोचिए, आप लिए थे 300 ml, अब है 297 ml, तो आपने पदार्थ खो दिया, कितना ml? 3 ml। और लिए थे गर्म, है ठंडा, तो ऊर्जा का भी आदान प्रदान हुआ, किसके साथ हुआ? कौन है ये इसके बगल में? परिवेश है। तो वह निकाय जो ऊर्जा और परिवेश दोनों का आदान प्रदान करता है परिवेश के साथ, उसको कहते हैं खुला निकाय। दूसरा बंद निकाय। क्या है बंद निकाय? ध्यान दिया जाए, आप दूध का बाल्टनी लिए, केन लिए जो एकदम पैक है, और उसमें गर्म पानी पहले से 1 लीटर ले लिए और उसका ढक्कन बंद कर दिए। लिए थे 1 लीटर, 1 घंटे बाद भी है 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर बाद भी है 1 लीटर, मतलब 1 घंटे बाद भी है 1 लीटर, लेकिन लिए थे गर्म और है ठंडा। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमने निकाय लिया है ये द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं करता है, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा है अभी भी। तो वह निकाय जो परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, पदार्थ का नहीं, बंद निकाय कहलाता है। और अब हम बात करते हैं आपके सामने विलगित निकाय, जो ना ही ऊर्जा का और ना ही पदार्थ का, किसी का आदान प्रदान नहीं करता है। बेस्ट एग्जाम्पल थर्मोफ्लास्क। ये थर्मोफ्लास्क जो देख रहे हैं ये डबल कोटेड है, ऊपर से कुछ और, अंदर में कुछ और, जिसका वाल है और बीच में पानी है। तो यहां देखिए ये पूरा वाल और पानी आप यहां रख रहे हैं, जो परिवेश से इसका संपर्क ही तोड़ दे रहा है। और इसमें क्या होगा कि अगर 500 ml पानी रखेंगे, आधे घंटे बाद भी 500 ml ही रहेगा, और गर्म है तो गर्म ही रहेगा।
और आइडियल थर्मोफ्लास्क लेंगे, आइडियल इस सेंस में कि हम 24 घंटा बाद भी खोलेंगे, जितना टेम्परेचर पर रखेंगे पानी उतना ही टेम्परेचर रहेगा, तो उसको हम बोल रहे हैं आइडियल थर्मोफ्लास्क, कि हमारा कोई भी चीज का थोड़ा सा भी लॉस नहीं किया, ना ही पदार्थ का और ना ही ऊर्जा का। तो आप उम्मीद है कि तीन तरह का ये निकाय समझ गए होंगे, एक खुला निकाय जो ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान करता है, और दूसरा बंद निकाय जो केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, और विलगित निकाय। तो आज के बाद अगर इस चैप्टर में कभी हम बोलेंगे किसी विलगित निकाय के लिए, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि हम उस निकाय का बात कर रहे हैं जहां ना ही ऊर्जा का ना ही पदार्थ का। जैसे ही बोलेंगे किसी खुला निकाय के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि यहां दोनों का आदान प्रदान होगा। और जब ये शब्द आप नहीं समझते तो आपके लिए चैप्टर टफ होता, और अब नहीं रहा टफ, हर एक चीज बहुत आसानी से आपको समझ में आने जा रहा है, बशर्ते कि आप ध्यान दें, थोड़ा मन लगाए। और मन लगाने के लिए हम ये आज फ्रेश चैप्टर फ्रेश दिन से स्टार्ट किए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विस्तृत गुण और गहन गुण की ओर। भौतिक राशि के बारे में आप जानते हैं, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, त्वरण, ठीक है, वेग, ये सब क्या है, भौतिक राशियां है। तो इन भौतिक राशियों को इस ऊष्मागतिकी चैप्टर में दो भाग में बांट दिया गया है, एक विस्तृत गुण और दूसरा गहन गुण। तो विस्तृत गुण कौन से भौतिक राशि को कहेंगे, बहुत सहज ढंग से आपको तुरंत अभी समझ में आ जाएगा विस्तृत गुण क्या है। वे सभी भौतिक राशियां जिसका मान द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, उसको हम विस्तृत गुण कहते हैं, और जिसका मान द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है वो गहन गुण। क्या बोल दिए, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल में वो पावर है जो जल्दी से समझा देगा। अभी हम इतना पदार्थ लिए और इसका द्रव्यमान नोट कर लिए। अब हम इतना द्रव्यमान लिए, इतना पदार्थ लिए, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पदार्थ कम था तो द्रव्यमान कम आएगा, पदार्थ ज्यादा हो गया, इसका मतलब द्रव्यमान एक विस्तृत गुण है, ठीक है। अब जरा समझिए, हमने पदार्थ इतना लिया, यहां रख दिया, जितना जगह छे का यानी क्षेत्रफल जितना ग्रहण किया नोट किए। अब हम पदार्थ इतना ले लिए, इस जगह उतना ही घेरेगा, क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, ऊर्जा, ये सब विस्तृत गुण है। अब गहन गुण को समझा रहे हैं, देखिए कितना आराम से। सपोज दैट थोड़ा देर के लिए मान लीजिएगा आप रेगिस्तान में है, एक जगह से 500 ग्राम बालू लिए और एक जगह से 5 किलो बालू लिए और दोनों में थर्मामीटर अटैच कर दिए, टेम्परेचर दोनों अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, तो वहां द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं किया। आप गैस पर एक बर्तन में 500 ml वाटर, 500 ml वाटर बैठा दिए गर्म करने के लिए, खौलाने के लिए, और एक जगह 5 लीटर पानी बैठा दिए और दोनों ऑन कर दिए, तो दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जाकर खौलेगा, जो इस बात को प्रूफ कर रहा है कि वो द्रव्यमान की मात्रा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, कि आप आयतन पर निर्भर नहीं करता कि आप 500 ml लिए कि 5 लीटर लिए है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो 100 ही डिग्री सेल्सियस पर खौलेगा। तो क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, ये सब गहन गुण है, ये द्रव्य की मात्रा पर निर्भर। और विस्तृत गुण वह गुण है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ये सब विस्तृत गुण में आता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है, और ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा एक और अलग से जान लीजिए, घनत्व का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। जरा ध्यान दीजिए, द्रव्यमान एक विस्तृत गुण है और आयतन भी विस्तृत गुण है, तो दो विस्तृत गुण का अनुपात जो आया घनत्व, घनत्व एक गहन गुण है, घनत्व पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अगर ग्राम पर एमएल है तो पर एमएल आयतन का जितना द्रव्यमान होगा उसी का बात करेगा, चाहे कितना भी मटेरियल आपके पास है, एक
एक एमएल का जितना द्रव्यमान होगा उसी का बात करेगा घनत्व के रूप में। तो घनत्व एक गहन गुण है और ये दोनों विस्तीर्ण गुण है। ये दोनों कौन? द्रव्यमान और आयतन। किस पर निर्भर करता है? द्रव्य की मात्रा पर। और घनत्व द्रव्य की मात्रा पर निर्भर ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट फंक्शन अवस्था फलन। वे सभी भौतिक राशियां जिसका मान हमेशा अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। कभी भी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने चलते हैं तो निकलता ही नहीं है, वास्तविक मान नहीं निकलता है, हमेशा अंतर निकालकर निकाला जाता है उसका मान। तो वह भौतिक राशियां जो हमेशा अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर जिसका मान निर्भर करता है उसको अवस्था फलन कहते हैं। और यहां जैसे आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा के लिए क्या किया जाता है? पहले अभी का ऊर्जा और उसके बाद अंतिम आंतरिक ऊर्जा। तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा में से प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा को घटाकर हमेशा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान निकाला जाता है। तो वे सभी भौतिक राशियां जिसका मान अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है अवस्था फलन कहलाता है। बात करते हैं समतापीय प्रक्रम का। समतापीय क्या आप समझ पा रहे हैं? नाम से ही स्पष्ट हो गया, वैसा प्रक्रम जिसके दौरान ताप नियत होता है। तो जब ताप नियत होता है तो प्रारंभिक ताप बराबर अंतिम ताप, मतलब T1 बराबर, तो आप ही बताइए डेल्टा T बराबर जीरो। तो जब भी कहीं लिखा रहेगा सेंटेंस में समतापीय प्रक्रम, तो आप समझ जाइएगा कि इस प्रक्रम के दौरान ताप नियत है। आगे बढ़ते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। वैसा प्रक्रम जिसके दौरान ऊष्मा नियत होती है उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। तो ऊष्मा नियत होती है इसका मतलब ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, यानी Q1 बराबर Q2, तो डेल्टा Q बराबर जीरो। समदाबीय प्रक्रम, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो गया कि वैसा प्रक्रम जिसके दौरान क्या होता है? दाब नियत होता है, यानी P1 और P2 का मान क्या होगा? सेम होगा। तो निश्चित तौर पर दाब का अंतर निकालेंगे तो उसका मान जीरो आएगा। सब बात समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतापीय प्रक्रम के लिए सत्य है? ऑप्शन समतापीय प्रक्रम के लिए सत्य है बताना है, समतापीय प्रक्रम के लिए सत्य है बताना है, समतापीय प्रक्रम के लिए सत्य है बताना है। समतापीय प्रक्रम के लिए कौन सा सत्य है? डेल्टा क्यू बराबर जीरो, डेल्टा वी बराबर जीरो, डेल्टा पी बराबर जीरो, इनमें से कोई नहीं, तो सही क्या होगा? डेल्टा टी बराबर। फिर से बताइए निम्नलिखित में से कौन सम रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए सत्य है? डेल्टा क्यू बराबर जीरो। निम्नलिखित में से कौन सम दाबीय प्रक्रम के लिए सत्य है? डेल्टा पी बराबर जीरो। निम्नलिखित में से कौन सम आयतनिक प्रक्रम के लिए सत्य है? आगे समझ में, चलिए तो सम दाबीय पढ़ लिए, सम आयतनिक अब आ रहा है। वैसा प्रक्रम जिसके दौरान आयतन नियत होता है सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। और उसके बाद चक्रीय प्रक्रम, वैसा प्रक्रम जिसमें तंत्र बहुत सारे प्रक्रम द्वारा पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जहां से शुरू करता है वहीं पर समाप्त। तो कहा जाएगा कि उसकी जो प्रारंभिक अवस्था में पहले आंतरिक ऊर्जा थी वो शुरू फिर से वही सी आंतरिक ऊर्जा के मान को प्राप्त कर लिया, यानी दोनों आंतरिक ऊर्जा का मान बराबर हो जाएगा। तो इस केस में चक्रीय प्रक्रम में हमेशा याद रखा जाता है कि आंतरिक ऊर्जा का मान प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है? अंतिम आंतरिक ऊर्जा। और इसलिए डेल्टा ई बराबर क्या हो जाता है? जीरो। तो आज आपने जो जो पढ़ा जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए, या उससे एक दो टॉपिक और देख लिया जाए। उत्कर्मणीय प्रक्रम, वैसा प्रक्रम जो दोनों ही दिशाओं में संपन्न होता है उसको उत्कर्मणीय प्रक्रम कहते हैं। वैसा प्रक्रम जिसमें निवेश मतलब निकाय और परिवेश दोनों साम्य अवस्था में होते हैं कहलाता है उत्कर्मणीय प्रक्रम। और अनुत्कर्मणीय नाम से स्पष्ट है जो केवल एक डायरेक्शन में संपन्न होता है, जिसमें निकाय और परिवेश कभी भी साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, अनुत्कर्मणीय प्रक्रम कहलाता है, जो हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में संपन्न होता है।
और ये ऐसा प्रक्रम है, ये ऐसा प्रक्रम है जिसमें देख सकते हैं निकाय और परिवेश साम्य अवस्था में होते हैं। कहां? उत्क्रमणीय में, और अनुत्क्रमणीय में कभी भी साम्य अवस्था में नहीं होते हैं। ये अनुत्क्रमणीय के लिए होगा और उत्क्रमणीय में हमेशा साम्य अवस्था स्थापित होगी। तो और ज्यादा डिटेल